हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सोनू स्पीकिंग फ्रॉम सक्सेस स्पीकिंग क्लासेस। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हमारे साथ हैं जिम्मी सर। एंड जिम्मी सर और हम करेंगे आपस में बातचीत इंग्लिश को लेके। ये कुछ सेंटेंस बोलेंगे जो इनके माइंड में आएंगे लॉकडाउन को लेकर और जो भी इनके माइंड में आएगा। सो लेट्स लिसन दैट ये क्या पूछते हैं हमसे। जी जिम्मी, कुछ पूछिए इंग्लिश में। सर, इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे कि लॉकडाउन बढ़ गया है? अब इन्होंने कहा कि कैसे बोलें कि लॉकडाउन बढ़ गया है, ये लॉकडाउन बढ़ चुका है, बात एक ही है। उसे हम कहते हैं लॉकडाउन हैज़ बीन एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड का मतलब होता है बढ़ जाना। जिस प्रकार से आपके एग्ज़ाम की डेट होती है कोई सी और वो पोस्टपोन्ड होकर वो डेट फिर अगली मिल जाती है, तो इसका मतलब होता है एक्सटेंड हो गई आपके एग्ज़ाम की डेट। तो इसका मतलब है कि जो लॉकडाउन 3 दिन का था या 2 दिन का था, अब वो 2 दिन का और बढ़ गया है। तो उसे हम कहेंगे लॉकडाउन हैज़ बीन एक्सटेंडेड। जी, नेक्स्ट सेंटेंस। कि बाहर बहुत गर्मी है सर। बाहर बहुत गर्मी है या झुलसाने वाली गर्मी है। बहुत गर्मी का मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है, झुलसाने वाली। हम कहते हैं इट इज़ स्कॉर्चिंग हॉट आउटसाइड। इट इज़ स्कॉर्चिंग हॉट आउटसाइड, इसका मतलब है कि बाहर बहुत ज़्यादा यानी कि झुलसा देने वाली गर्मी है। सर, जैसे कि हम कहेंगे इंडिया में वैक्सीन आ चुकी है, हमें लेनी चाहिए। वेरी गुड। अभी उन्होंने कहा कि इंडिया में वैक्सीन आ चुकी है, तो इसका मतलब है वैक्सीन हैज़ बीन इम्पोर्टेड इन इंडिया। वैक्सीन हैज़ बीन इम्पोर्टेड इन इंडिया, और हमें वैक्सीन लेनी चाहिए। एंड वी शुड टेक वैक्सीन का मतलब हमें वैक्सीन लेनी चाहिए। सर, जैसे हम बोलते हैं कि हमें अब अपनी रक्षा खुद करनी चाहिए। अब किसी के कहने से तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि भाई बाहर मत जाओ या अंदर मत आओ, उससे कुछ नहीं। अपनी रक्षा हमें स्वयं करनी चाहिए। वी मस्ट प्रोटेक्ट आर सेल्फ। हमें मस्ट मानी चाहिए, प्रोटेक्ट मानी रक्षा करनी। आवर सेल्फ का मतलब है अपने आप से, स्वयं से। हमें अपने आप की, खुद की रक्षा करनी चाहिए। वी मस्ट प्रोटेक्ट आर सेल्फ्स। सर, जैसे हम बोलते हैं वादा नहीं कर सकते, मौत का सीजन चल रहा है। वाह, अच्छा सेंटेंस उन्होंने बोला है कि भाई कोई वादा नहीं कर सकते, तुम्हारे पैसे देंगे नहीं देंगे, आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि मौत का सीजन चल रहा है। इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं वी कांट प्रोमिस। वी कांट प्रोमिस का मतलब है कि हम वादा नहीं कर सकते, बिकॉज डेथ सीजन इज गोइंग ऑन। डेथ सीजन इज गोइंग ऑन का मतलब है कि मौत का सीजन चल रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस। सर, जैसे हम बोलते हैं कि अब सीएम योगी जी को लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए। यानी कि जो योगी जी हमारे सीएम हैं यूपी के, उन्हें लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए। तो हम बोलेंगे योगी जी शुड एक्सटेंड लॉकडाउन। सर, दिल्ली में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, इसे हम कैसे बोलेंगे? दिल्ली में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो, हम कहते हैं इन दिल्ली कंडीशन इज वेरी बैड या कंडीशन इज वर्स। कंडीशन इज वर्स का मतलब है बहुत ज़्यादा पहले से ख़राब है, और कंडीशन अगर ज़्यादा ख़राब है तो कंडीशन इज वेरी बैड इन दिल्ली। सर, रोक दो।